नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय चौहान और आपको हम भ्रमण करवाते रहते हैं कई बार, क्योंकि हम खुद काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल उत्तराखंड में करते हैं और कोशिश ये रहती है कि उत्तराखंड की कुछ खूबसूरत और हसीन वादियों को, जगहों को, मंदिरों को, या फिर जो भी यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस या फिर कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं उनको आप तक हम पहुँचाएँ और बेहतरीन तरीके से पहुँचाएँ। कई जगहें आपने देखी भी होंगी, कई जगहें आपने नहीं देखी होंगी और इस समय क्योंकि हम हैं हिंदौ पट्टी में जहाँ पर माँ जगदी की जात थी, तो उसके लिए हम यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन अभी रास्ते में चलते वक्त हमें यहाँ पर एक खूबसूरत सी एक लोकेशन दिखती है और एक प्यारा सा मंदिर यहाँ पर है और काफ़ी भव्य मंदिर। जब इसके बारे में पता किया गया तो लोगों ने बताया कि काफ़ी मान्यता इसकी भी काफ़ी ज़्यादा है। हम इस वक्त मौजूद हैं जगदी घाट में, जो कि हिंदौ पट्टी के अंदर ही है, और यहाँ से जो नज़ारा है आसपास का, क्योंकि हम स्टे भी यहीं से ऊपर कुछ ऊपर कर रहे हैं पिछले दो दिन से, और नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। हर जगहों पर पहाड़ियों पर बसे हुए गाँव हैं, छोटे छोटे गाँव हैं, और ये जो यहाँ पर मुख्य एक छोटा सा मार्केट भी है जगदी घाट जिसका नाम है, ये आसपास के कुछ गाँव का एक छोटा सा मार्केट यहाँ पर है। ये खूबसूरत शानदार नागराजा का मंदिर है जिसकी कि अगर इसके आप एरियल शॉट्स देखते हैं तो काफ़ी प्यारे लगते हैं। साथ ही यहाँ पर मालगांव ऊपर की तरफ है, उसके ऊपर बगर है, सरपोली है और आसपास भी कई सारे गांव हैं। तो ये ऐसी बेल्ट है, यहाँ के लोग जो है मुख्य व्यवसाय हर पहाड़ी ज़िले की तरह, हर पहाड़ी जगह की तरह कृषि ही है, पशुपालन। भैंसा गोड़ अभी अच्छा मात्रा में यहाँ लोग पालन अभी भी भैंसा गोड़ खूब छनी का गोड़ कम जम भैंस जा छनी अपन जन्म देखना, तो भैंसा मतलब सुबह खुल दी ना तब से बौड़ रन पड़े अपन, क्योंकि जो बौड़ जो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। और इसी तरीके से आगे जाते हुए अगर आप इसी लाइन पर आगे जाते हैं तो आगे आपको कई सारे और गांव मिलते हैं, और उत्तराखंड के जो गांधी रहे हैं स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी, उनका भी गांव अखोड़ी आगे पड़ता है और ये जगह घनसाली से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर है। तो खूबसूरत तरीके से आपने इस जगह को देखा। इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। कमेंट करके बताइए कि आप किस किस जगह को यहाँ पर जानते हैं और कौन कौन सी जगह से आप हैं। थैंक यू।